दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राधा ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हो रही है। भोपाल से आई रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कांगड़ा के 4 उपमंडलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं पौंग झील को भी सील कर दिया गया है। देहरा, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल में अब से चिकन, अंडा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। पौंग झील में किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसी बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। अगर कोई भी प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करता है तो कानूनी कार्रवाई के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। SP कांगड़ा और देहरा, फतेहपुर, ज्वाली और इंदौरा के SDM को जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि DC कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने आदेश जारी कर पौंग झील के एरिया को पहले से ही सील कर दिया है और अब प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने 4 उपमंडल देहरा, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा में मीट और मछली की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। आगामी आदेशों तक इन क्षेत्रों में मीट और मछली की दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही यहाँ से पोल्ट्री से मुर्गे भी बाहर नहीं निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा पौंग झील के 1 किलोमीटर के एरिया में किसी भी तरह की लोगों और पर्यटकों की मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक है। साथ ही पशुओं को भी नहीं चराया जा सकेगा। जारी आदेशों में पशुओं को लेकर पशुपालन विभाग को निगरानी रखने के आदेश जारी हुए हैं। ये फ्लू इंसानों के लिए इसलिए घातक माना जा रहा है क्योंकि बर्ड फ्लू के लक्षण भी कोरोना की तरह ही होते हैं। ऐसे में कोविड और बर्ड फ्लू मरीजों की पहचान स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हिमाचल अभी अभी के साथ। नमस्कार। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।